नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम मखनी बनाएंगे। इसमें हम गेहूं के आटे में सत्तू भरेंगे। आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है। मोयन के लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच अजवाइन और मंगरेल। इसको रब कर लेंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। इसको गूंधेंगे। इतना गूंधने के लिए हमें 150 ml पानी लगा है। इसको थोड़ा कड़ा गूंधेंगे और ढक करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गया है, आटा सेट भी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा मस लेंगे। अब हम सत्तू का स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2/3 कप सत्तू लिया है। बारीक कटा हुआ 1 प्याज लेंगे, कसा हुआ अदरक लेंगे 1 चम्मच, स्वाद अनुसार मिर्च लेंगे, कसा हुआ लहसुन लेंगे 5-6, 1 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे, स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 टेबल स्पून कच्चा सरसों तेल लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। इसको गीला नहीं करेंगे। इतना करने के लिए मुझे 50 ml पानी लगा है। आप अचार का मसाला से भी इसे बना सकते हैं। सबको मैंने बॉल बना लिए हैं। अब इसको कटोरी जैसा बनाएंगे। अब ये स्टफिंग लेंगे, इसमें डालेंगे, उंगलियों से दबा करके सत्तू को अंदर करेंगे और इसको बंद करेंगे। अब इसे बेलेंगे, ऐसे ही दूसरा बनाएंगे। अब सूखा आटा लेकर के इसे हम बेलेंगे। हमें प्रेशर नहीं देना है बेलने वक्त। और थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। इसका थिकनेस इतना रखेंगे। इसी तरह से दूसरा भी बेल लेंगे। तवा को गर्म करेंगे। मैंने गर्म कर लिया है और इसमें डालेंगे और इसे सीम में सेकेंगे। इसे पलट लेंगे। अब इसे निकाल करके डायरेक्ट फ्लेम में सीम में सेकेंगे। जब हम तवा पे सेकते हैं तो सीम में ही सेकना है हमें, और जब डायरेक्ट चूल्हे पे रखते हैं तब भी हमें सीम में सेकना है। थोड़ा कड़क सेकेंगे। ये सीक गया है। अब दूसरा ऐसे ही सेकेंगे। सीकने के बाद इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से घी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। आप इसे टमाटर की चटनी और बैंगन के भरते के साथ सर्व करें। तो ये था
मखनी बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनास फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।